साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में हम गुड़ खिला करके क्या हम अपनी गाय भैंस को पीक पर ला सकते हैं क्या? वाकई ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आप सभी को पता है गुड़ की तासीर गर्म होती है और अभी पिछले दिनों से इतनी गर्मी हावी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे काविंग का सीजन आ रहा है, धीरे धीरे गाय भैंस बच्चा देने लग गई है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गुड़ किस तरीके से दे। देखो, अगर आपको गाय भैंस को पीक लेवल पर लाना है ना, तो गुड़ देने का एक विशेष तरीका है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीके से अगर आप गुड़ देंगे ना, तो शानदार पीक आपको मिलेगा, दूध बहुत अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक, यानी बच्चा देने के बाद जब वो पीक पर आएगी, अपना सर्वश्रेष्ठ दूध देगी, तो वो पीक लेवल जो है उसको लंबे समय तक रखेगी। इसके लिए भाई गुड़ देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, गर्मी के मौसम में गुड़ की बात जहां पर भी आती है ना, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है और उनमें से दो प्रमुख बातें हैं जिनको तो गांठ बांध लेना है। पहली बात है कि क्या आपकी गाय भैंस जिसने बच्चा दिया है वो दोपहर के समय हांफ रही है क्या? दोपहर के समय अगर हांफ रही है, दोपहर में खाना पीना कम करती है, सिर्फ सुबह शाम खाना पीना करती है, तो वो हीट स्ट्रेस में है। और अगर हीट स्ट्रेस में है तो आप उसको गुड़ की मात्रा को अलग तरीके से देंगे और गुड़ की मात्रा को आधा कर देंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा सेकंड जो कंडीशन होती है वो होती है फूल पाछा दिखाने की। गर्मी के मौसम में फूल पाछा की शिकायतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शरीर दिखाने की शिकायतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप गुड़ देते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो तरीका अगर सही रखा आपने तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, गुड़ को कई भाई क्या करते हैं कि गर्मी का मौसम है तो यूं ही हम दाना मिश्रण में छोटे छोटे टुकड़े करके मिला देते हैं और खिला देते हैं, जबकि वो तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप डायरेक्ट गुड़ खिलाते हैं तो भाई गर्म तासीर का है और गर्मी करेगा, नुकसान कर सकता है। इसीलिए आपको अगर गुड़ देना है, और देना ही है क्योंकि गुड़ के फायदे तो आप सभी को पता है, मेनली गुड़ जो है एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं कि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे ताकि दूध आगे अच्छा हो, किसी तरीके कोई बीमारी ना हो। इसके अलावा गुड़ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई प्रकार की बीमारियां होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें भाई मिनरल्स का खजाना है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इन चारों तत्वों की ही जरूरत जो ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है उसको ज्यादा होती है। तो आप इस समय गुड़ को स्किप तो नहीं कर सकते, बंद तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, लेकिन देने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे, इसके अलावा गुड़ गर्म तासीर का होने की वजह से बच्चेदानी की सफाई, जो गंदगी बच्चेदानी में है उसको निकालने में मदद करती है। तो गंदगी अगर निकलेगी, गंदगी निकलेगी तो आगे जाकर के अच्छा पीक पकड़ेगी, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा तो आगे जाकर के अच्छा पीक पकड़ेगी, अच्छा दूध देगी। इसके अलावा वो बीमार नहीं होगी तो अच्छा दूध देगी, और कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, आयरन मिलेगा तो अच्छा दूध देगी, स्वस्थ रहेगी। इसीलिए गुड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। देने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका आप इस्तेमाल कीजिए और वो यह है कि कोई भी बर्तन में आप भिगो दीजिए गुड़ को, और अगर वो बर्तन मान लीजिए कि जैसे स्टील के बर्तन होते हैं या तांबे के बर्तन होते हैं, ऐसे बर्तन नहीं होने चाहिए आप विशेष ध्यान रख करके, और कोई जैसे लोहे से बना हुआ बर्तन है उसमें आप आराम से भिगो सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ उसी में रहता है। तो लोहे से बना हुआ कोई भी अगर बर्तन है तो उसमें आप 5 से 7 घंटे तक गुड़ को भिगो दीजिए। ये बुजुर्गों के सारे ये तरीके हैं, और गुड़ को भिगो करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, बुजुर्ग तो मिट्टी के बर्तनों में भिगोते थे, वो भी बहुत अच्छा तरीका था, अगर मिल जाए तो वो भी सेट हो सकता है। तो आपको फाइनली भिगो करके देना है, और कम से कम 4-5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। और भिगो करके अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो बुजुर्ग कहते हैं कि तासीर ठंडी हो जाती है। हालांकि तासीर ठंडी नहीं, लेकिन जो नुकसान करेगा कम से कम वो तो नहीं करेगा, और जो फायदा हमें लेना है, एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, मिनरल्स की पूर्ति करनी है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम में लेना है, बच्चेदानी की सफाई करनी है, तो वो भी हो जाएगा। इसीलिए आप 5 से 7 घंटे गुड़ को भिगो करके और उसके बाद दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा जब आप गुड़ दे रहे हैं तो आप सभी को पता है गुड़ अजवाइन का एक विशेष नाता है बच्चेदानी की सफाई के लिए, तो आप अजवाइन को गुड़ के साथ नहीं दे करके और दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए।
ये भी बहुत अच्छा रहता है। और अगर साथ में भिगोते भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है, भिगो करके अगर आप दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मात्रा की, भाई मात्रा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप 250 ग्राम से ज़्यादा गुड़ गर्मी के मौसम में मत दीजिए। अगर कोई बड़ी गाय भैंस है और आप कह रहे हैं कि सर कोई हाँपने की शिकायत नहीं है, कोई शरीर आने की शिकायत नहीं है, तो बच्चा देने के 4 दिन तक आप आधा आधा किलो यानी 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को गुड़ दे सकते हैं। बाकी आप पर डे 250 ग्राम ही दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब जिस गाय भैंस को फूल पाचा की शिकायत है या हाँप रही है, उसे आप मात्र 100 ग्राम सुबह शाम 4 दिन तक और उसके बाद 100 ग्राम रोज ही आप देंगे और अजवाइन की मात्रा को भी कम रखेंगे। इसके अलावा गुड़ के साथ जो आपको ऐड करना है वो विशेष चीज है फ्रेंड्स, सतावर। जी हाँ, पीली सतावर आपको मैंने कई वीडियोस में दिखाई है, पीली सतावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सतावर मिलाते हैं और सतावर का चूर्ण जो होता है, पाउडर जो होता है, वो अगर आप 25 से 50 ग्राम गुड़ के साथ रोज देते हैं तो भाई बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो गुड़ के फायदे आपको लेने हैं वो सारे फायदे मिलेंगे और दूध तो बढ़ना तय है। इसके अलावा अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर लाइव सेशन शुरू हो गए हैं, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होते हैं। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए और वहाँ जा करके और जो डेयरी फार्मिंग सेक्शन है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा साइंटिफिक वे आपको मिलेगा, जो जो आपको चाहिए वो सारा सीखने को मिलेगा, ताकि डेयरी फार्मिंग आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं या बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको सही राह। परख मिल्क मैजिक, दूध फैट और SNF तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर, बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।